भाइयों नमस्कार। अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं बाइक लोन की ईएमआई निकालना सीखें। हमने बाइक खरीदी और कुछ पैसे दे करके गाड़ी खरीद निकाल के ले आए। अब कुछ पैसे हमारे बकाया रह गए, उसकी ईएमआई कैसे निकालते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। मान के चलें बाइक का मूल, बाइक का मूल बराबर कितना, 1,20,000 रुपया मान लीजिए आप, 1,20,000 रुपया। ओके अच्छा, अब इस पर ब्याज लगेगी, ब्याज ब्याज का प्रतिशत मान लीजिए आप 10%। ठीक है अच्छा, और समय समय आप निकाल लीजिए कितना, मान के चलिए 2 वर्ष। ओके अच्छा, अब जो आपने गाड़ी लेते समय पेमेंट किया था उसका, उससे कहते हैं डाउन पेमेंट, कितना आपने रुपया जमा किया। तो मान के चले आप, आपने उस समय 20,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, आपने 20,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चलते हैं कि जैसे कार वो बाइक का मूल्य कितना था बराबर 1,20,000 रुपया, आपने 20,000 रुपया वहां पर दे दिया पहले। ओके अब हमारा कितना बकाया रह गया, 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपया हमें देना है। ओके अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। 1,00,000 रुपया हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपया हम यहां पर लिख लेते हैं। ओके अच्छा, अब 1,00,000 रुपये लिखने के बाद गुणा का मतलब गुणा, गुणा का मतलब का, अच्छा कितना है, समय कितना था 2 वर्ष, 2 वर्ष हमने लिख दिया, और ब्याज कितनी थी 10%, ये हमने कर दिया, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना अच्छा, अब हमने देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दी और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर मात्र बचा 10,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 10,000 रुपया। तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप 20,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 रुपया आ जाएगा। तो ये हमको 20,000 रुपया 2 वर्ष में ब्याज देना पड़ेगा, कुल ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा 2 वर्ष में का, कितना 20,000 रुपया। ठीक है, तो अब मान के चलिए 1,00,000 रुपया हमने बकाया था प्लस 20,000 रुपया हमको ये ब्याज का देना पड़ेगा, तो हमको कितना देना पड़ेगा कुल 1,20,000 रुपया। ठीक है ना, 1,20,000 रुपया हमको उनको देना पड़ेगा। फिर वो 20,000 रुपया आपने नगद दे दिया उससे, वो तो आपने डाउन पेमेंट किया था, ये 20,000 रुपया आपको इस बात का है कि आप 2 वर्ष में बाकी का पैसा दे रहे हैं 1,00,000 रुपया। अच्छा, अब ये तो हो गया वर्ष,
अब निकालेंगे हमें कितने रुपए महीने देना पड़ेगा, ये निकालना है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए 1,20,000, ठीक है, ये लिख दिया हमने 1,20,000 रुपया। अच्छा, और महीना कितने थे, 2 वर्ष का बराबर 24 महीने, 2 वर्ष बराबर 24 महीने। अच्छा, अब हम इसको 2 से काटेंगे, तो देखिए ये 12 बार कट गया, ओके, और ये 60 बार कट गया, तो ये हो गया 60,000, और ये 12 से कट गया। अच्छा, अब हम फिर 2 से काट देंगे, तो देखिए ये 6 बार कट गया, और यहाँ पर आ गया 30,000 रुपया, 30,000 रुपया, ठीक है ना, 30,000 रुपया आ गया। अच्छा, अब हम देखिए ये 30,000 रुपया आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ गया 30,000 रुपया। अब 6 ये हो गया, तो 5,000 आ गया यहाँ पर, और 3 जीरो ये आ गई, ठीक है। तो हमको कितना देना पड़ेगा, 5,000 प्रति महीना हमको देना पड़ेगा, 5,000 रुपये प्रति महीना हमको उनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम ये और चेक करेंगे, कहीं हम पे कहीं भूल तो नहीं हो गई, कि ऐसा तो नहीं है कि हम पे भूल हो गई हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए 5,000 रुपया, ठीक है, गुणा कितने 24, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 4 जीरो में लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 24 पंजे हो गया आपका 120 है, तो यहाँ पर 120 लिख देंगे, ठीक है। तो 1,20,000 रुपया ये हमने, 1,20,000 रुपया हमको देना पड़ा। यहाँ पे भी 1,20,000 था, देखो 1,00,000 बकाया था और 20,000 ब्याज का था, पूरा 1,20,000 हो गया। तो अब हिसाब यहाँ पे हमको 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 24 महीने तक 1,20,000 रुपया हम दे देंगे, तो हमारा बाइक का हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो भाइयों, शायद आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, ओके।